अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं मॉर्निंग से। मैंने बनाई है चाय और उसके साथ बनाया है मैंने पराठा। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखें, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई है, वो चाय पीते हैं कभी कभी मॉर्निंग में, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई है और उसके साथ बनाया था मैंने पराठा। तो मैं लेकर जा रही हूँ अभी। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने की थी क्लीनिंग, जो कि मॉर्निंग रूटीन में आती है, मैंने आपके साथ कई बार शेयर भी किया है। तो मैंने सारी क्लीनिंग की थी, उसके बाद मैं आ गई थी सेल में, जहाँ पर मैं ज़्यादातर आती हूँ कपड़े वगैरह की शॉपिंग करने के लिए। और वहाँ से जब भी कोई अच्छा सामान आता है वहाँ पर, कपड़े वगैरह या फिर सैंडल शूज़, कुछ भी यहाँ पे अच्छा सामान आता है तो अनाउंसमेंट हो जाती है। तो अनाउंसमेंट हुई थी कि लेडीज़ सूट आए हुए हैं 350 की रेंज में, और ये इस तरह के सूट थे। ये टिशू का सूट था एक, जिस पे जरी का वर्क था और दुपट्टा भी था इसके साथ, और भी काफ़ी प्यारे प्यारे सूट्स थे वहाँ पर। और ये शॉर्ट्स थे जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनकी, और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था ये देखें, और प्रिंट्स भी काफ़ी अच्छे थे, कलर ऑप्शन भी बहुत सारे थे ये देखें। इस तरह से शॉर्ट्स का एक अलग से इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ था, और ये देखें काफ़ी सारे शॉर्ट्स थे यहाँ पर, ये सभी शॉर्ट्स ही हैं। और काफ़ी सारे कलर थे यहाँ पर अवेलेबल, जैसे ब्लैक, ग्रे और फ्लोरल प्रिंट थे यहाँ पर, प्लेन भी थे, और काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स थे यहाँ पर। यहीं से मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर भी गई हूँ एक शॉर्ट्स। और उसके बाद में जस्ट इसके बराबर में जीन्स वगैरह थी, ये देखें बच्चों की बड़ों की। और यहाँ से हमने जीन्स वगैरह भी ख़रीदी थी, ये देखें बच्चों की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जीन्स थी यहाँ पर, 150-200 की रेंज में थी। और ये सारे बॉक्सेस ये बच्चों के कपड़ों के हैं, और बच्चों का भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा था कपड़ों का, ज़्यादातर लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर ये देखें। और ये शेरवानी वगैरह कुछ थ्री पीस सूट्स थे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी कपड़ों की। और ये शर्ट्स थी जेंट्स शर्ट्स, जो कि मुझे प्राइस इनका थोड़ा ज़्यादा लगा, 300 इनका प्राइस था, अकॉर्डिंग टू मटेरियल मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। जेंट्स के लिए शर्ट, टी शर्ट्स, पैंट्स, लोवर, ट्राउज़र्स, और बहुत अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर मेंस के लिए। और ये देखें ये सारी जीन्स हैं, और एक साइड पे इसके आगे शर्ट्स का कलेक्शन था, ये देखें ये वाली जीन्स थी जो हमने वहाँ से बाई की थी, काफ़ी अच्छी जीन्स थी छोटे बच्चों के लिए, 2-3-4 ईयर्स ओल्ड के बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छी थी। ये देखें काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। बस वहाँ पर टाइम थोड़ा इसलिए एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि हमें सिलेक्ट करनी होती है, वैरायटी बहुत होती है वहाँ पर, खुद से हमें सिलेक्ट करनी होती हैं अच्छे पीसीज, अच्छी चीज़ें हमें खुद से वहाँ पर निकालनी होती हैं इन सभी में से। और ये एक साइड पर लेडीज़ जीन्स का कलेक्शन था ये देखें, और एक जीन्स मैंने देखी थी बट इसमें एक होल हो रहा था ये देखें, तो ये डिफेक्टेड थी तो इसलिए मैंने छोड़ दी। और ये वाली टी शर्ट मैंने अपने हस्बैंड के लिए बाई की है, ये भी काफ़ी प्यारी लग रही थी, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ही ज़्यादा प्यारी ये टी शर्ट थी। और ये देखें ये काफ़ी सारी कलरफुल वाली टी शर्ट थी। और उसके बाद में हम आए थे जस्ट यहाँ पर, एक अनाउंसमेंट और हुआ था कि यहाँ पर क्रॉकरी आई हुई है आसपास में, तो हम गए हुए थे पास में ही, यहाँ पर क्रॉकरी का बहुत सारा बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। ये सारी बॉल्स थी, बॉल्स काफ़ी अच्छे अच्छे शेप्स एंड साइज़ की थी, और ये देखें यहाँ से आप ईज़िली डिनर सेट बना सकते हैं लेके, बाउल्स वगैरह, प्लेट्स, 3 डिशेस थी, तो आप ईज़िली यहाँ से चूज़ करके कोई भी एक प्रिंट और आप उस तरह से डिनर सेट कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें ये प्लेट्स थी, और प्लेट्स भी काफ़ी अच्छे साइज़ में अवेलेबल थी, काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेट्स भी थी, ट्रे थी, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की डिशेज़ थी जैसे कि ये, और काफ़ी अच्छी डिशेज़ थी यहाँ पर।
मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इतनी प्यारी प्यारी क्रॉकरी को देखने के बाद कंट्रोल कर पाना। और ये ट्रे थी इधर, और ये देखें स्क्वायर वाली शेप की, ये भी डिशेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट मैं अभी नहीं बाय कर रही थी क्योंकि मैंने अभी डिनर सेट लिया है रिसेंटली। इसके अलावा कुछ और नहीं बाय किया मैंने वहाँ से। और ये देखें काफ़ी प्यारी यहाँ पर बाउल्स वगैरह थी। और एक फ्रेंड थी मेरी जो मेरे साथ गई थी, उन्होंने कुछ डिशेज़ और ट्रे वगैरह यहाँ से बाय की थी। ये देखें यहाँ से आप इजीली डिनर सेट बना सकते हैं लेकर, और लीड वगैरह ये लगा कर दे रहे थे डिशेज की। और ये देखें डिशेज की सारी लीड्स वगैरह रखी हुई हैं, ये अपने आप से सेट करके देते हैं। कोई भी आप एक डिश सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर लीड ये खुद खुद से अच्छे से लगा के देते हैं। ये देखें ये भी काफ़ी प्यारी डिशेज रखी हुई थी यहाँ पर। और 150 kg यहाँ पर मिल रहा था, 150 rupees kg तोल कर भी यहाँ पर दे रहे थे वो केजी के हिसाब से। और ये देखें ये वाली डिशेस, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी बट मैं नहीं ले पाई थी। और ये सभी पीसीज में से एक एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई थी, जितने भी इनके पास डिज़ाइन थे वो सभी एक एक पीस इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए थे अच्छी तरह से। ये देखें इसके अलावा और भी वैरायटी थी अंदर, अगर जाके देखें तो काफ़ी सारी वैरायटी, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। और ये देखिए काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद में मैं आ गई थी घर और मुझे बनाना था लंच, तो मैंने आलू बॉईल किए और उसके बाद में उन्हें अच्छे से मैश कर लिया मैंने ग्रेटर से। और ये देखें काफ़ी सारे आलू मैंने लिए थे क्योंकि मुझे बनाने थे आलू के पराठे। और आलू के पराठों में ज़्यादा क्वांटिटी में आलू भरते हैं तभी और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इसमें मैं मसाले मिक्स करने लगी हूँ, जैसे रेड चिली पाउडर है, हरी मिर्च जो कि मैंने बारीक चॉप करके रखी थी, हरी मिर्च, हरा धनिया, और थोड़ा सा इसमें मैंने लहसुन और थोड़ा सा जीरा मैं कूट के डालती हूँ हमेशा। और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया था, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक भी मैंने ऐड किया था, वाइट और ब्लैक सॉल्ट मैंने दोनों ऐड किया था इसमें। और ये देखें सबसे पहले जो परांठा बना है मेरे हस्बैंड लेकर जा रहे हैं मेरे बेटे के लिए, क्योंकि परांठे गरम गरम ही खाते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखें दस्तरखान लगा रहा है मेरा बेटा, और अभी फ़िलहाल वो जल्दी से खा लेगा, उसको सॉस के साथ बहुत ज़्यादा परांठे पसंद हैं। हम अचार वगैरह लेते हैं बट मेरे बेटे को सॉस के साथ ज़्यादा पसंद है पराठे। तो अभी सबसे पहले उसको दे दिया था हमने पराठा बनने के बाद, ताकि वो आराम से खाता रहे और मैं गरम बनाकर उसको देती रहूं। ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी खाएं, बट उन्हें मेरे साथ खाना होता है क्योंकि मैं फिर अकेली रह जाती हूँ खाने के लिए, तो मेरा मन नहीं होता है। और पराठे जब बनाते हैं तो खुद से एक ऑयल की अंदर स्मेल आ जाती है जीप सी, तो मन नहीं होता है खाने का, तो इसलिए मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं। वो मेरे साथ ही पराठे वगैरह ऐसी चीज़ जो भी मैं बनाती हूँ जो कि फ़ौरन खा लेनी चाहिए वो नहीं खाते हैं, वो मेरे साथ ही खाना पसंद करते हैं। तो ये देखें हमारे लिए भी पराठे बनकर रेडी हो गए हैं, बस लास्ट पराठा रह गया है जो कि मैं रेडी कर रही हूँ। और ये देखें पराठे बनकर हमारे लिए रेडी हैं, हम भी अभी खाना खा लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर ये पराठे रेडी हुए थे। और उसके बाद में नेक्स्ट डे का मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैंने बनाए थे सोयाबीन की बिरयानी। और ये देखें इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सोयाबीन। आप चटनी और रायता वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने रायता बनाया था और थोड़ी सी चटनी भी मैंने बनाई थी। ये देखें एकदम खिले खिले चावल बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें एकदम, अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो आप इस तरह से सोयाबीन की वेज बिरयानी भी बना सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है वेज बिरयानी सोयाबीन की, और ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं आप। अगर आपको सेल की प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ सेल की। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।